of myself. इतने यंग एज में मैं कर पाया हूँ. सो क्या कितनी छोटी उम्र से व्हाट एज यू हैव पेंटिंग? मैंने 6 साल से चालू किया. स्टार्टिंग 6 years ago. Any aspiration, any family support, something? Yeah, family has given me huge support, but I have not been inspired by anybody to paint. It has come from inside. I feel that it's a God's gift. देव जो पेंटिंग में थॉट क्या है, किस तरह का क्या क्या पेंटिंग आपने जो रखा है? और क्या अभी देखो ठीक है, अभी मैं आई कंसिडर माय सेल्फ प्रोफेशनल आर्टिस्ट. डेली बेसिस पे नहीं है, मूड आया. ये पेंटिंग जो होते मूड पे होते, और एक बार मूड आया बनाया तो ही एक मास्टर पीस बन सकता है. थॉट क्या, जो इनर जो थॉट्स है जो दिमाग में चल रहा है, इतने दिन से चल रहा है, अभी एक दिन मूड आ गया बनाना पेंटिंग. सो वो सब थॉट डाल दिए पेंटिंग. आपके जो पेंटिंग्स है वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर पेंटिंग्स. तो क्या कहना चाहेंगे? व्हाट यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी? व्हाट यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी? I don't want to give anything to society, but मुझे लगता है मेरे पेंटिंग सोसाइटी में कुछ चेंज लाने के लिए नहीं बना है, कुछ इशू को कुछ हेल्प करने के लिए, कि इम्प्रूव करने के लिए नहीं बना है. मैं पेंटिंग्स अपने आप के लिए बनाता हूँ, मैं लोग के लिए नहीं बनाता हूँ. और जो मैं बनाता हूँ वो जो मुझे लोग को दिखाना है मैं वही बताता हूँ. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो लाइक जैसे कंटेंट क्रिएटर बोलते ना, पब्लिक के डिमांड पे जो वो लोग को देखना है वो बनाते हैं, जो भी ट्रेंड में वो बनाते हैं, वो मुझे नहीं करना. जो मुझे दिखाना है मैं वही दिखाऊंगा, मेरे वे में दिखाऊंगा. दिस इज द थिंग मैं वो पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से आपने बोला कि आपके दिमाग में जो आता है वही बनाते हैं, तो थॉट्स को बाहर निकालने के बाद और इस तरह से बहुत बड़ा एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो क्या मन में आता है एग्जीबिशन के बाद? क्या मन में आता है? नहीं, आई मीन एग्जीबिशन एक प्लेटफॉर्म है शोकेस करने का आर्ट के लिए. आई मीन इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, डूइंग एन एग्जीबिशन इज अ स्मॉल थिंग, बट रिस्पॉन्स द फीडबैक विच पीपल गिव इट इज अ बिग थिंग. सो आई फील आई मीन आर्ट इज वेरी गुड, बट यू शुड, बट इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी यू शुड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन. आप 6 साल से पेंटिंग कर रहे हो, 6 साल से बाद भी तक आटा तक उम्र कर, बचपन से आज तक आपने इम्प्रूव क्या किया और कितना क्या चेंज किया? इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, ट्रांजिशन एक प्रोसेस हुआ है. जब भी मैंने पेंटिंग चालू किया तभी मैं स्पिरिचुअल पेंटिंग्स बहुत बना था, लॉर्ड शिवा पे बहुत था, ओम यूज बहुत करता था. और अभी एक ट्रांजिशन हुआ है, एक प्रोसेस हुआ है. अभी मैं ऐसा टाइप का पेंटिंग कर रहा हूँ जो मुझे लगता नहीं था कि मैं कर पाऊँ. और अभी जो मेरा स्टाइल है पेंटिंग का उसमें बहुत ही एक चेंज आया. आपकी तरफ जितने छोटे बच्चे होते हैं खेलने में ज़्यादा आजकल 18 साल तो लोग ऑब्वियसली अदर थिंग्स, तो आपका क्या, आपकी तरह जिस तरह जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? अगर उनको आर्ट में जाना है तो आई मीन आई फील इट्स द बेस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड. बिकॉज अगर आप एक बार ब्रश पकड़ते हो, आप पेंटिंग चालू करते हो, यू फील समथिंग एल्स, बोलते ना कुछ अलग एक फीलिंग आता है. और मुझे लगता है आर्ट के लिए क्लासेस जाना जरूरी है, घर पे तुम कर सकते हो. आप एक्सपेरिमेंट करो, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा आप किधर. आप इंस्टॉलेशन करते हो, इंस्टॉलेशन भी आप करते हो, फोटोग्राफी आपका शौक है, पेंटिंग भी, कैसे टाइम निकाल पाते तीनों शौक के लिए? टाइम तो रहता है, मैं बोर बहुत रहता हूँ. अच्छी बोलूँ ऑनेस्टली टेलिंग, ये डेली बेसिस पे नहीं है. आर्टिस्ट आर ऑलवेज बोर्ड एंड विल बी ऑलवेज बोर्ड. मैं खुद बोर्ड हूँ, मैं ऑल द टाइम बोर्ड हूँ. ऐसा नहीं कि मेरे को टाइम निकलता, मेरे को टाइम रहेगा ही रहेगा, कभी नहीं. मैं फ्री हूँ, सच्ची बोलूँ मैं फ्री हूँ. ऐसा मैंने खुद को फ्री रखा है. क्योंकि जो ये लोग इतने बिजी है, जो साइंस वाइंस करते, क्या करना क्या है, फ्री रखो ना खुद को यार. ऐसी वर्किंग उसमें इतनी टैलेंट है, और उसका जो कलर यूज़ करने का तरीका है, स्ट्रोक्स है,
थॉट है कि इतने छोटे बच्चे में इतने कैसे वो जो डेप्थ रहती है कि ये उसको करना है, जैसे शिवलिंग है कि और कुछ भी उन्होंने उसने जो भी पेंटिंग्स निकाले थे, वो सोच के काफ़ी सरप्राइज हुआ था कि इतना छोटा बच्चा ये कैसे निकाल सकता है, तो काफ़ी अच्छा लगा था। उस टाइम में और आज के बच्चे में आप लोग क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है उसमें और आज? ओहो, काफ़ी काफ़ी ही बहुत ही इवॉल्व हुआ है, थॉट प्रोसेस तो उसके काफ़ी चेंज हुए हैं। इट्स बिकम टू गुड इन हिज स्ट्रोक्स यूजिंग कलर पैलेट्स एंड द कॉन्सेप्ट। आप दोनों से एक सवाल है, आपके बच्चे ने इतनी सारी पेंटिंग बनाई है, आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? मेरा पर्सनल पसंद है वो एक कॉलम है, एग्जैक्टली दैट कॉलम व्हिच आई पर्सनली लाइक। देयर इज लॉट ऑफ इज यूज लॉट ऑफ नाइफ इन द पेंटिंग इन डिफरेंट कलर्स, और उसमें एक चेयर बनाया और एक चेयर एम्प्टी। ये चेयर एम्प्टी किस लिए है, उसके दिमाग में कुछ छपा होगा, दैट्स द माय फेवरेट पेंटिंग। माय फेवरेट पेंटिंग इज वन व्हिच इज वेयर द पर्सन इज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड ही इज यूज्ड अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड कलर कॉम्बिनेशन, सो दैट्स माय फेवरेट। मैम, ये देव ने जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आई थिंक एवर इन द वर्ल्ड किया है रिवर्स पेंटिंग का, जो शो स्टॉपर भी है, इट इज आई मीन हम कभी सोचते नहीं ना, हम बोलते हैं कि ये कैनवस है और कैनवस के ऊपर पेंटिंग करेंगे, लेकिन उसने उसको घुमा के एक नया कॉन्सेप्ट किया। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि आज का वर्ल्ड जहाँ जा रहा है, वी नीड न्यू आइडियाज, वी नीड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड आई थिंक दिस होल्ड्स पोटेंशियल। दो बनाए उसने वैसे, एंड आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि यू नो आई डोंट थिंक कभी किसी ने ऐसा सोचा है। सबको पता है कैनवस पेंटिंग क्या होता है, कैनवस मटेरियल क्या होता है। आई डोंट नो वेदर आपने कुछ नोटिस किया है, इधर यहाँ व्हाइट कैनवस भी है, ब्लैक भी है, और दो अलग मटेरियल है। इफ यू कैन ऑब्जर्व दोस टू मटेरियल विच आर अवे फ्रॉम कैनवस, द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग एज एन आर्टिस्ट, अ किड लाइक हिम हैज यूज्ड जूट मटेरियल एंड लिन ऑन अ फ्रेम। So if you see something out here, you might get a feeling of a jute material or linen material. So uske upar usne experiment karke, so it's been very successful in the same time. It's a special feeling for sure, because we don't see children of this caliber. And if a child in your house can do something very different, and you are willing to progress in the different thing what the person has gone, we should continue with the same thing. So whenever, every day when we wake up in the morning, he has a different thought. But aap usko scientist bolo ya usko bolo kuch alag se sochta hai aadmi, every day it is a different question which comes up with his mind. So ye pure jo sawal uske dimag mein hai, what special hai, every painting if you see, if you ask him is kya kiya hai, he will never answer for you कि क्या इसके दिमाग में चल रहा है। सो हिज वर्क इन इंडिया, दिस कैन बी एक्सपांडेड मोर अक्रॉस कंप्लीट मीडिया फ्रेटर्निटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड पीपल शुड एक्सेप्ट व्हाट एग्जैक्टली इज डूइंग। इफ दैट व्हिच इज वेरी फास्ट विल बी मच बेटर। वी डेफिनेटली नो अबाउट मिस्टर हुसैन हु हैज डन हिज वर्क, बट देयर इज सम आर्टिस्ट कॉल्ड देव मेहता नाउ हु हैज गॉट अ डिफरेंट स्टाइल ऑल टुगेदर, हु शुड बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। So it's a very special child for all of us, and we have fun, we have masti, we have jagade bhi hote hain hamare, aisa nahi hai, but we enjoy every day as much. This is our life, you know. Khushi to bahut sari hai, iski ek kahani hai. Dev hamari life mein khushiyan lekar hi aaya hai, kyunki hamari zindagi mein aisa kuch hua ki जब ये देव आया तो उसके बाद हम जीना सीख गए, और उसके बाद उसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। हमारा एक एनजीओ है नीना फाउंडेशन, और देव बहुत छोटा था तब से वॉल पे, ज़मीन पे, कपड़ों पे, हमारे हाथों पे
सभी जगह पे पेंटिंग करता था और हमारी जैसे उसने बताया बहुत फ्रीडम मिला है उसे, तो डबल रूबल में जो साथ में रहते हैं हमें वो फ्रीडम दिया कि वो करे, बिकॉज यू नो चाइल्ड हम भी वैसे पड़े हुए हैं। और हमारा जो एनजीओ है लीना फाउंडेशन, उसके 12 साल से जो डेस्क कैलेंडर्स है वहाँ पर हम कोई व्हीलचेयर का या डिसेबल का हम नहीं करते हैं। देव के जो पॉजिटिव पेंटिंग्स है, जैसे उसने बताया स्पिरिचुअल पेंटिंग्स करता है, सोलफुल पेंटिंग्स करता है, ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेंट पेंटिंग्स करता है, वो हमने छापे। सो अनोइंगली देव हैज नॉट ओनली अफेक्टेड आर लाइव्स इन द हाउस बट ही हैज अफेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव अ डिसेबिलिटी, जो कम्युनिटी हमारी है। और उसको, क्योंकि आपने भी यहाँ पर जो देव के पेंटिंग्स देखे हैं, आपको देखकर एक खुशी महसूस होती है, एक खुशहाली महसूस होती है। दिस इज हिज पेंटिंग, हिज पेंटिंग्स हैव इवॉल्व्ड, बट जो हमारे डेस्क कैलेंडर्स में और जो हमारी एक्टिविटीज में जाते हैं, तो उस प्रकार से आई थिंक एट अ वेरी यंग एज ही हैज गिवन सो मच टू द वर्ल्ड।